मेरी कमर एकदम ठीक हो गई है। माड़ी तारा मंदिर में घंटा रमक आ जाए, माड़ी तारा मंदिर में घंटा रमक आ जाए। अरे बा, मैं हो गई ठीक। अब चिल्ला क्यों रहे हो इतना जोर से? लेकिन बा, हमसे पहले बाहर आई कैसे? बालकनी से छलांग लगाकर। तेरा दिमाग खराब हो गया बाबा, तूने मुझे यहाँ से देखा तो सही है ना? मैंने बोला था ना बा बाहर है, देखा? लेकिन आंटी भावना तो हीरी तक नहीं। अरे हाँ, क्योंकि मेरे कमर अटक गई थी। हाँ। मैं आपकी बात नहीं कर रही आंटी भावना। कुछ गड़बड़ है। हाँ। कुछ गड़बड़ है। तू चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल। अरे मेरी बात, अरे तुम लोग सच्ची मेरी बात तो सुनो। इस भागदौड़ के दौरान रेड वाइल हासिल करने का यही चांस है। चलो 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 चलो। भाभी वो फॉर्मूला 070 अभी भी ऊपर है। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। भावना से भावना टकराने की संभावना बढ़ गई है, भागो। मैंने बोला था ना गड़बड़ है। ऊपर चल, मेरे सामने दूसरी बात दिखाता हूँ। चल। एक मिनट रुक, इधर ऊपर कहाँ जा रहे हो? अब जबकि तू अंदर है, मैं ऊपर बालकनी से देख के आता हूँ कि तू बाहर दिखती है कि नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया? जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बाहर कैसे दिखूंगी तुझे? ओहो बा, मेरा यकीन कर, तूने आधी मिनट पहले मुझे बालकनी में बुलाया था। हाँ। तब तू बाहर थी। हाँ। तब तू यहीं थी। क्या ये कर रही है ना, बोल ले कुछ। हाँ, आंटी भावना अभी आप यहाँ यहाँ मेरे साथ ही तो खड़े थे। अरे पर मैं बाहर थी, अटक गई थी। अरे हाँ हाँ, लेकिन मेरे बालकनी में आते ही तू ठीक भी तो हो गई थी ना। तो क्या मतलब, मैं अंदर आई, एना से बात की, फिर बाहर गई, वापस अटक गई? नहीं 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 नहीं, भदेश भैया बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। जिस टाइम आप अंदर थी उस टाइम मैं बाहर भी थी। ना जब मैं बाहर खड़ी थी तो अंदर कैसे हो सकती हूँ? वो आप बाहर खड़ी थी तो आप खुद कैसे देख सकती है कि आप अंदर खड़ी हैं? हैं? क्या? नहीं वो, I mean... नहीं नहीं नहीं, नहीं आ, 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 कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हाँ। एक काम करते हैं, भद्रेश है ना, आप दोनों ऊपर जाइए, बालकनी में से देखिए कि आपको बाहर भावना आंटी दिखती है कि नहीं। वेरी गुड, चल। एक मिनट, एक मिनट, ए घोटाला भाई, मैं ऐसी इधर हाजरा हजूर खड़ी हूँ तो बालकनी से बाहर कैसे दिख सकती हूँ? सेफ साइड ना, सेफ साइड, सेफ साइड। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना है। क्या सेफ साइड? मैं क्या मोमबत्ती हूँ कि हर कमरे के हर ड्रॉवर में ऐसे सेफ साइड पड़ी रहूंगी इमरजेंसी के लिए? ओहो सब भैरवी बन गए, जबकि खुद उसे पता नहीं होगा कि कहाँ गई है। ये भैरवी भी नजर नहीं है। अरे भैरवी, चलो शरद वापस आ जाओ, चलो चलो चलो। कब से ट्राई कर रहा हूँ पर दो दिन से सूरज नहीं निकला ना, तो मेरा पावर चल नहीं रहा, एनर्जी कम पड़ रही है। शरद चलो ऐसे ही चलो, नहीं तो भावना वर्सेस भावना हो जाएगी। चलो ये भैरवी कहाँ चली गई है, दिख नहीं रही। भैरवी, लॉजिकल वाली एक्टिंग करके दिखाई और अब यहाँ खड़े होके बाहर से आवाज निकाली। भाई, कर कैसे लेती हैं आप? मुझे भी इस टैलेंट के बारे में अभी अभी पता चला। बाह, एक बार और करके दिखाइए ना। भैरवी भाई, इतनी यहीं से आवाज आई ना? अब भैरवी यहाँ से आवाज दी तो यहाँ से घूम के ऐसे दरवाजे से वापस आने के लिए टाइम लगेगा ना। वो मेरी आवाज बैठ गई है ना, तो रास्ते में भी अगर बैठ गई तो आने में टाइम लगेगा ना। भैरवी, लो आने। आई आई आई, मैं ना प्रीतेश मितेश के पापा को बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनको मैं बाद में दिखा दूंगी। बाहर जाना है हमें। हाँ जाना है। वो उस रात कपड़े सुखाने की क्लिप खो गई थी ना, तो उसे ढूंढने जा रहे हम लोग। चलो चलो चलो, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो तुम यहाँ बैठो। कुछ बोलना मत, यहाँ से हिलना मत, कोई भी बुलाए जवाब नहीं देना, मैं खुद बुलाऊं तब भी जवाब नहीं देना। समझी?
हाँ, समझ गई, चलो चलो। उटाना भाई जी, ये टेढ़ा हो गया, सीधा कर दीजिए। नहीं नहीं, अरे करिए। जाकर भावना भाभी से मदद मांगता हूँ। ये लाजो और ऐना के सिर से सियाचिन जाने का भूत उतारना ही पड़ेगा। भूत उतरा तो नहीं तो ना 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 ना, भूत तो उतारना ही पड़ेगा। हैं? ये भावना भाभी खिड़की पर क्या कर रही है? हेलो। अरे तू क्या कर रहा है? भगाओ भगाओ उन्हें। हाँ हाँ आओ। यही आ रहे भाभी, संभाल। अरे बाप रे, देख बात तो नहीं है। नेचुरली, क्योंकि वो तो नहीं 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 है ना बा, कुछ गड़बड़ कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ था ना, तब यही थी, फिर जब मैं नीचे उतर रहा था तो भाग के अंदर आ गई। व्हाट नॉनसेंस, आंटी भावना तो पिछले 20 मिनट से मेरे साथ नीचे ही थी। हाँ, मैं एक बार पानी पीने बाहर। तभी तभी वो भाग के बाहर आई और ऐसे कमर अटक के खड़ी हो गई। लेकिन क्यों? वही तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन रुक, अभी आएगी, अभी आएगी, रुक। बा अरे तो मारे को करनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कचौड़ी है ना। कचौड़ी? बा चकुड़ी। हाँ हाँ, वो चकुड़ी है ना, उसकी कपड़े की क्लिप ढूंढने जा रही हूँ। मिली तो नहीं तो? हाँ तो आप दरवाजे से आओ। अब इस उम्र में इतना लंबा चल के कैसे जाऊं, मेरे घुटने में भी दर्द है। इस उम्र में आप खिड़की से कूद सकती हैं? चिल्ला चिल्लाओ, आपको क्या काम है? वो मारे को है ना, थारे से जरूरी बात करनी थी। तो मेन दरवाजे से आइए, मैं वही खड़ी हूँ, वही बात कर लेंगे। गया। चलो। अरे भगवान, लो ये तो यहाँ। अरे नाला यार, पैर भी। अरे उठ उठ। अरे दमशेरस, क्या खेल रही है मेरे साथ तू? गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ। किसका? इतोपिया के मुख्यमंत्री का। हाय हाय बाप, आपने उसका गला फाड़ दिया? अगर बेवकूफों वाली बात करेगी ना, तेरा गला तो काट ही डालूंगी। पैरवी, अच्छा ये बता, तू जवाब क्यों नहीं दे रही थी? भाभी ने तो कहा था यहाँ पे चुप करके बैठना, कुछ मत बोलना। आप खुद भी बुलाए तो भी जवाब मत देना। कब? मैंने कब कहा ऐसा? अरे जब आप यहाँ से भाग के गई तब। मैं यहाँ से कब भाग? पैरवी, मैं यहाँ से कब भाग के गई? तब तो कितने प्यार से बात कर रहे थे, अब डांट रहे हो। वो सब छोड़ बेटा, तू चल मेरे साथ। तू मेरे घुटनों में तेल की मालिश कर देना, ठीक है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाप के घुटने में दर्द नहीं है। अरे मेरे घुटनों में दर्द है कि नहीं वो मुझे पता या तुझे पता? मुझे पता है। कैसे? मतलब पहले आपको पता था, फिर आपने मुझे बताया, फिर मैंने आपको बताया, तो आपने मुझे बताया कि आपके घुटने में दर्द नहीं है, तब मुझे पता चला। अरे फिर भी तेरा बच्चा कुचा दिमाग भाड़े पे देती है क्या? अरे भगवान, चल तू चल मेरे साथ, चल। नहीं बा, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। अरे चल भैरवी, चल। नहीं बा। अरे क्या कर? नहीं। अरे तू क्या कर? नहीं बा, आप ही ने कहा कि यहाँ से नहीं हिलना है। और अब आप ही कह रही कि चल। अब मैं आपकी बात मानू कि आपकी बात मानू? मेरी बात मान। हाँ तो इसलिए यहाँ से हिलने रही हूँ। ओहो भैरवी, मेरी बात नहीं मान, मैं पागल हूँ, मेरी बात मान, चल। हाँ तो बराबर। चल बाप ना पागल है। चल अब चापली बावली।
कहाँ खाना खाया? बा, मैंने बालकनी से देखा बाहर, लेकिन तू नहीं दिख रही है, बोल। बाबा, तेरे चश्मे के आगे ना दूरबीन लगा, उसके सामने टेलीस्कोप लगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। भद्रेश भाई, आपके कहने का मतलब है सनशाइन कॉलोनी में दो दो भावना बहन है? मिस्टर घोटाला, अभी थोड़ी देर पहले आपने नहीं कहा था ऊपर जाके देख लो, सेफ साइड, सेफ साइड। मौसम अलग था। क्या हुआ? एक मिनट, ये राजस्थान एक्सप्रेस, आप यहाँ पिक्चर देखने आए हैं? अरे बताइए ना इन लोगों को कि जब मैं यहाँ हूँ तो बाहर कैसे देख सकती हूँ। अरे भद्रेश, के बोल रहा है भद्रेश? अरे भावना भाभी जब यहाँ है तो ऊपर बालकनी से बाहर कैसे दिख सकती है? माना वो खिड़की से बाहर गई, पर खिड़की से अंदर भी आ गई थी। मैं खिड़की? अरे राजस्थान एक्सप्रेस, लगता है आज इनका भी इंजन फेल हो गया है। मतलब आप खिड़की से अंदर नहीं आई? नहीं ना ना काका मुरली, मैं तो दरवाजे से अंदर आई। अरे ना ना बेटा, दरवाजे से तो मैं अंदर आया, वो तो खिड़की से अंदर आई। ना ना काका मुरली, बा खिड़की से बाहर तो गई, लेकिन दरवाजे से सिर्फ उनकी आवाज अंदर आई। शांत हो जा, ये सब भूल जा, सब फिट्टूस, ओके? शुरू से शुरू करते हैं। तूने मुझे बाहर से आवाज लगाई, मैं बालकनी में आया, तू बाहर थी, तूने कहा तेरी कमर अटक गई, बराबर? फिर जब मैं नीचे उतर रहा था तब तू बाहर ही थी, लेकिन जब मैं नीचे उतरा तब तू यहाँ हॉल में ऐना के साथ भी थी। अरे मैं यहाँ नहीं थी। आंटी भावना, जब मैंने आपसे बात की थी सियाचिन वाली, तब आप अंदर ही थी, फिर हम दोनों बाहर गए तो आप बाहर भी थी, फिर हम लोग अंदर आए तो अंदर वाली आप यहाँ नहीं थी, लेकिन बाहर वाली आप अंदर आ चुकी थी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है ना, अंदर वाली बाहर वाली, मतलब मैं दो हूँ, डबल रोल। बाबा, मेरी दो सास, एक पे एक फ्री। तेरी किटे था था। चुप। मैं खिड़की से बाहर नहीं गई और खिड़की से अंदर नहीं आई। मेरे गले में दर्द नहीं है, मेरे सिर्फ पहले पीठ में दर्द था, अभी ठीक हो गई हूँ, और मेरे घुटने में ही दर्द है सिर्फ। कल सुबह सबको इकट्ठा कर भाई, सबके सामने बात करनी पड़ेगी, लगता है बात सठिया गई है। कौन सा रेड वाइन? तो आप किसी रेड वाइन के बारे में नहीं जानते, तो आप यहाँ क्यों आए? वो मैं मेरा जूता भूल गया। तो आप क्या है, एक जूता पहन के ऊपर आए? देखो मेरे तो दो जूते। तो अंकल, इंसान दो जूते पहनते हैं, एक जूता नहीं। बात कहूँ अंकल, मेरे पापा है ना, उनका एक फेवरेट तकिया था, वो है ना खो गया, तो वो मैंने ढूंढ निकाला। हाँ, और वो रोनी अंकल की इलेक्ट्रिक गाड़ी थी ना, वो भी मैंने ढूंढ निकाली थी। तो आपकी असलियत भी मैं ही ढूंढ निकालूंगा। कैसी असलियत? वो आपको भी बताए और मुझे भी बताए, और ये मेरे चिन चिन को भी है ना। चिन चिन, देखो देखो, हाँ बोल रहा। मासूम होने के साथ साथ कितना शातिर है ये इंसानी बच्चा। करने को तो मैं अपने सुपर पास का इस्तेमाल यूं कर सकता हूं,
और इंसानों से एक बात सीखी है, अपनों से कमजोरों की कमजोरी का फायदा नहीं उठाते बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी ताकत बनते हैं। जीते रहो। शिशि, मैं फिर से जा रहा हूँ वो लाल द्रव्य 070 लाने। भैया भैया अब बैठ जाइए, पापा ने आपको कहा है ना यहाँ से हिलना नहीं। शिशिर, पापा बहुत भोले हैं, जब प्रीतेश ने उनसे पूछा कि आपको रेड वायल चाहिए तो उन्होंने मना क्यों कर दिया? अगर हाँ कहते तो सबकी समस्या दूर हो जाती ना। मैं जाता हूँ और हाँ कहकर वापस आता हूँ। भैया 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 रुकिए, वो देखिए वहां पर वो बुक्स क्या कर रही है। कुछ नहीं। तो जाइए उन्हें कुछ नहीं करने में कंपनी दीजिए। जाइए जाइए, चलो 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 शरद जल्दी कोई देख लेगा, जल्दी चलो। ओके सूर्य की किरण, चलो जल्दी चले। ओके जल्दी अपने असली रूप में आ जाओ शरद, चलो। कोशिश करो शरद। अरे शरद बैठो बैठो यहाँ पे। हेमंत, शरद इंसानी उबासी ले रहा है, तू भी कंपनी दे वहीं से। उबासी हाँ शरद क्या हुआ? भाभी हमें आयना को सियाचिन जाने से रोकना होगा, अगर उसे पता चल गया कि मानव जिंदा नहीं है तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। कंट्रोल शरद प्लीज, हम लोगों को 070 के बारे में सोचना है। तो मैं चाचा को गम दूं? हेमंत वो ऑलरेडी गम है, तू उसे खुशी दे। अरे नहीं, उन्होंने कहा ना कि आयना का दिल टूट जाएगा, तो उस दिल को चिपका कर जोड़ने के लिए गम दूं? इससे जुड़ता है ना तो दे दे, दे दे गम उसे। शिशिर देख वहां क्या चल रहा है। लेकिन चाचा अगर ऐना को पता चल गया कि मानव मर चुका है फिर तो वो आपसे प्यार करने लगेगी ना। ऐसा नहीं होता है हेमंत, ये इंसान बहुत ही स्पेशल होते हैं। वो मर जाते लेकिन उनकी यादें सालों तक जिंदा रहती है, इसलिए बेचारे मानव के जिंदा ना होते हुए भी ऐना के दिल में जिएगा तो वो ही। लेकिन पापा कहते हैं ना कि इंसानों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो आप ऐना से कहिए ना कि उसके बहुत बड़े दिल में आपको थोड़ी सी जगह दे दे और आप साइड में बैठ जाना और मानव की यादों को करना। बहुत डर लग रहा है वसंत, प्रीतेश ने और साइंटिस्ट ने मिलकर हमारा पर्दाफाश कर दिया तो क्या होगा वसंत? जो होगा वो देखा जाएगा। इन इंसानों से हमने क्या सीखा बच्चा? धर्म और कर्म। हमारे ग्रह से हम इस ग्रह पर हमारे 2015 को ढूंढने आए, ये हमारा कर्म है और इस परिवार का प्रमुख होने के नाते मेरे परिवार की सुरक्षा करना ये मेरा धर्म है। इसका मतलब इंसानों के बीच और हमारे बीच युद्ध? इन इंसानों ने और एक रास्ता ढूंढ निकाला है, अहिंसा। और इस अहिंसा का हथियार हिंसा के हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है।